कुछ बोलेंगे? क्या बोले सर? हाँ, क्या बोलना है? अरे दूध मोबाइल लेके चल रहा है, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक आ ही रहा है, समाचार पता चल ही रहा है। तो फिर बीजेपी जीत जाएगी 2024 में भी लग रहा है। हाँ, कोई और नहीं जीतेगा। हर कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी जीत। मैसेज आया क्या? मैसेज आया क्या? अभी मेरे पास मैसेज है। क्या मैसेज आया? एक मिनट रुकिए, कन्फर्म है बीजेपी ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगी। इस वजह से जीतेगी, बस बीजेपी जीतेगी। विपक्ष वाले जो इकट्ठा हो रहे, इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता, इकट्ठा तो होते रहते हैं। फायदा तो पूछ लो, कोई फायदे आप बताइए। नहीं भाई, भाई तो बता दें पहला फायदे। यहाँ तो हर चीज डूबी रही है अभी तक, सारे स्तर, शिक्षा का ले लो चाहे कोई भी ले लो, सब कुछ नहीं ले रहे हम, कुछ नहीं ले रहे हम, कोई नहीं लेते। अपना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कुछ नहीं ले रहे। कोई मर नहीं रहा खाने पीने, ऐसी बात नहीं है। आप देखो लोगों का ना, रोड का देखो, हर चीज का देखो, विकास देखो। सब लोग यहाँ क्यों आते हैं फिर जब मर नहीं रहे तो? भाई देखो जहाँ रोजगार, तो वहाँ पे रोजगार क्यों नहीं मिलता? पहले एक एक करके बात करते हैं। या हम तो ऐसे ही राह चलते लोग मिल जाते। अरे रुका यार, हम पूछ रहे ना आपसे, आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी नाम है मेरा। आप क्या करते? मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी करता हूँ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम सुनते बहुत बढ़ गया। नहीं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम डाउन हो गया है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट में ही तो पूरा चल रहा है। हाँ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो है ना, पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जो आया करते थे, टेंडर वगैरह, वो बंद कर दिया सरकार ने। अब वो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी कोई मर थोड़ी ना रहा, हर कोई काम कर रहा, चल रहा है। आपकी कंपनी में पहले से लोगों की भर्ती ज्यादा हुई या निकाले गए? कंपनी में तो वैसे भर्ती कम हो गई है। कुछ लोग जो नौकरी में थे वो निकाले गए? निकाले गए, लेकिन लोगों को कंपनी ने ग्रेजुएटी दिया, उनको तनख्वाह दी, अच्छे पैसे दे के निकाले हैं। कितने लोगों को निकाल दिया? करीब निकलेंगे 15-1 लोग। कितने थे कुल? 25-30 लोग थे। 30 में 15 की नौकरी चली गई? चली गई, बहुत टाइम हो गया, 4-5 सालों में। कोरोना के बाद? हाँ, कोरोना के बाद ही गए। उसके पहले नहीं, कोरोना के बाद गए। तो जब जो निकाले गए वो फिर रखे गए उतने लोग की? नहीं नहीं, तब से पटरी कंपनी पटरी पर आई कि नहीं? उस तरह नहीं आई, जिस तरह पहले काम था उस तरह नहीं है। फिर जब पहले ऐसा काम नहीं है ना, तो प्रिंट मीडिया का काम पिट गया, तो प्रिंट मीडिया का काम हर यार, तो खाली एडवर्टाइजमेंट पर तो सरकारी चल रही है, चाहे कोई सरकार हो, खाली तो प्रचार ही आ रहा है यार। प्रचार तो आ रहा ना, सरकार के प्रचार आ रहे हैं, सरकार के, हर कोई सरकार का प्रचार करता ना अपना तो। लेकिन जो जैसे टेंडर छपता था न्यूज़पेपर में, रोड बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, वो टेंडर खत्म हो गया। अच्छा, वो तो ऑनलाइन हो गया, वो ऑनलाइन हो गया। तो ये एडवर्टाइजिंग कंपनी में आप हैं, तो मोटे तौर पर किस सरकार का ऐड ज्यादा आता है? जिस जो सरकार रहती है प्रेजेंट टाइम, उसी का सरकार का ज्यादा ऐड आता है। जो प्रेजेंट रहती है उसी का था, सब एकदम धुआंधाम से। अच्छा, ये कंपनी भी सरकारी एड से ही चल रही है सब? ज्यादा नहीं, सरकारी भी चलती, प्राइवेट से भी चलती है। मैं इस लाइन में 28 सालों से हूँ। पहले किसान में यूपी में मायावती की सरकार थी, तो मायावती हर एक ऐड छाप देती थी। हर एक पुल पेज की ऐड छापती थी, जी 4 कॉपी छाप के बिल दे दो तभी पेमेंट हो जाती थी। क्या करोगे? और अब? अब क्या, अब तो मायावती सरकारी खत्म हो गई, अब क्या हो गया? भाई वो क्या नाम है, उसका नाम भूल गया मैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। जाने दो, सब पोल नहीं खोला जाता टीवी पर यार, हमारे साथ बात करने में लोग ये भूल जाते हैं कि ये टीवी और कैमरे पर रिकॉर्ड भी हो रहा है। बहरहाल आप क्या करते हैं? एक कंपनी मेहता सिक्योरिटी में, कंपनी बंद हो गई कोरोना के बाद से, अभी फिलहाल बस कोई पता नहीं कुछ काम का। ठीक ठीक, आपका क्या मानना है कि 2024 का चुनाव किस तरफ जाएगा? इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि सबके काम चलते हैं, समझी समझी, दो आदमियों के काम नहीं चलते, बाकी सबके चलते हैं। अब पता है सबको कि दो सब एक तरफ ही जा रहा पूरा सब कुछ। कांग्रेस में ये है कि सबका भला होता है, थोड़ा थोड़ा सबका हो जाता है, सब काम चलते हैं, बिल्डर से लेकर टेंट वाले से लेकर रिक्शे वाले से लेकर सबके। मोदी जी उसी पर तो मारते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, दूसरी पार्टियों में सब खाते भी है खिलाते भी है। खा तो सब रहे हैं, लेकिन आज की डेट में सिर्फ कुछ पसंदीदा लोग तो खिलाने वाले हैं, कुछ पसंदीदा लोग खाने वाले हैं बस। अब ये नहीं कि मतलब समथिंग जैसा पहले होता था, सबको मतलब बोल नहीं सकते बस ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह, पानी की जगह आकाश में उड़ने लगे, लेकिन सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दरबारी जो है, जिनके पास पावर यानी सत्ता का इकबाल है, वहाँ भ्रष्टाचार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बात यही है कि जिसका सामने आ गया वो चोर, और जिसका नहीं आया वो साह, जो पकड़ा गया वो भ्रष्टाचारी, जिसका सामने ही नहीं आया उसके बारे में कोई बात की नहीं।
अंकल क्या हाल है आपके? मैंने कुछ नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी उम्र पूछ रहा है। उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र 79। कर्नाटक से रोज आते हो? डेली आते हैं। इसकी आदत क्यों और कैसे लगी आपको? आदत जो है शुरू से बचपन से थी, लेकिन आज जो है लूट मची हुई है। आज की डेट में लूट मची हुई है। किस चीज की? हर चीज की ये लूट। आम आदमी जो है नॉट हैप्पी, परेशान है। परेशान है सरकार से? आपको अभी पेपर दिखा दूंगा, कल का पेपर है। बाप ने पैसा लूटने के लिए रेप का केस अपनी लड़की के ऊपर लगाया, जो ये साबित हुआ कि ये झूठा केस है। तो लोगों की क्या आदत बन चुकी है, किस तरीके से पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरा जो हिसाब जो है, जो मेरा मिशन जो है वो है सतयुग का। इस समय सतयुग चल रहा, कलयुग खत्म है। जो क्रिमिनल नहीं है उसे कोई राइट नहीं है जीने का। आज एवरीबॉडी क्रिमिनल, कहीं पे भी चले जाओ मुझको पाओगे। अभी पुलिस के 3 आदमी जब पकड़े गए, किसी घर में डकैती करते हुए पैसा पकड़ा जो गया घर में। अब ये बताइए, उसमें 3 पुलिस वाले चले गए, तो पुलिस वाले जो कौन है? गवर्नमेंट पेड सर्वेंट है। पुलिस वाले ही लूटने चले गए दिल्ली के घटना। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ सतयुग आ गया है। अगर भैया तुम सच रहोगे, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। यू आर ए क्रिमिनल। और ऑनेस्ट वो है जो क्या नाम है, बकायदा किस तरीके से मुझे लूटना है, अपनी लड़की को लगा दूं, अपने बेटे को लगा दूं, कैसे लगा दूं, क्या करूं। और ये सतयुग जो है ये चालू हुआ है जीवी जी कृष्ण मूर्ति से, जब उन्होंने ये एक लाया कि मेंबर पार्लियामेंट जो है, मैं आउट ऑफ दी बता कि 2024 के इलेक्शंस के लिए ये अभी अपोजिशन पार्टीज की जो बेंगलुरु में बैठक हुई उसमें उन्होंने नाम रखा है इंडिया अपने गठबंधन का। ऐसा है, यूनाइटेड होगी सब। अब ये यूनाइटेड है, अब पता लगेगा कि सतयुग कितना आ चुका है। बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि सब जनता अब मन कुछ बना रही है और सोच रही है इस दिशा में। जनता यूनाइटेड की तरफ बढ़ रही है। मोदी जी सतर्क हो जाए, बस यही मैसेज है। मोदी जी अभी बैठक किए वो भी, और बोल रहे हैं कि हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन, हालांकि 8-9 साल के बाद वो बैठक हुई है एनडीए की। जनता गणित नहीं बनाती है, जनता केमिस्ट्री बनाती है, और जनता जिसके साथ केमिस्ट्री बनाएगी उसका ही बेड़ा पार होगा। और मोदी जी संभल जाए, 150 रुपया कमलियो टमाटर बिकेगा तो जनता 150-200 जो भी है, और जनता का जो है मोदी जी के व्यक्तित्व पे कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी की नीतियों पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या हो रहा है देश का। हमें जीडीपी नहीं समझ में आती, हमें जनता, हम आम जनता हैं, ठीक है, हमें जीडीपी नहीं समझ में आती। हमें कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया या पिछली सरकारों ने किया, उससे नहीं है। आज हम इस कितना संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष बढ़ रहा है घट रहा है, मोदी जी को ये समझना पड़ेगा। जनता की नब्ज को अगर ये समझ में आ गया मोदी जी को, और अभी समय है, मोदी जी व्यक्तित्व के तौर पे हम उनको जितना सम्मान मिल रहा था देश ने दिया है। एक बात ये बताइए, लोग तो कहते हैं, मैं जब लोगों से बात करता हूँ कहते हैं पूरी दुनिया में डंका बज रहा, भारत को इसके पहले जानता कौन था, मोदी जी ने भारत का नाम कितना ऊंचा कर दिया देश में, तमाम कानून व्यवस्था की दृष्टि से तमाम तारीफ करने वाले लोग कहते हैं। इकबाल देखिए, एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं आया। सर अब मैं आपको इकबाल की बात बताता हूँ। इकबाल ये है कि आपका जैसे आप उस फ्लाइट पे चढ़ते हो ना, आज इवेंट खत्म हो जाता है, वैसे ही वहाँ से रेड फ्लैग आ जाता है उस कंट्री का। फ्रांस हो, आपका अमेरिका हो, सब वहाँ से मैसेज भेज देते हैं साथ साथ। जैसे प्लेन में आप चढ़ते हो ना, तो ये प्लेन वाला कल्चर खत्म करो, ले जाके लोगों से जयकार कराने के लिए। जनता की जयकार करानी है तो जनता के मुद्दों पे मोदी जी ध्यान दें। 300 सीट ऐसे ही पाए? 300 सीट सर, उसमें 300 सीट, कभी 408 सीट राजीव गांधी भी पाए थे। जनता ने दिया था ना, एक विश्वास दिया था। विश्वास को छला जाएगा जो भी छलेगा, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, उसको जनता कुछ सही कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बताइए। वो उनका मत है जी, हमारा मत अलग है, उनका अलग। आपका है। क्या है? मेरा मत तो ये है कि मोदी जी के कार्यकाल में जो भारत ने विकास किया वो अभूतपूर्व है,
और ऐसा प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद में भारत को मिला वो शायद ही आगे मिलेगा। उन्होंने इतना काम किया, हाईवे इतने बना दिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया इतने हाईवे बना दिए, इतना विकास का काम जो है वो जितना उन्होंने किया वो अभूतपूर्व है। उसके लिए जो सा है हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए और आगे भी वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो है ये विपक्ष की बैठक में सब इकट्ठा हुए, विपक्ष की बैठक जो सी है ये जितने भी घोटालेबाज हैं दे आर ऑल सब घोटालेबाज हैं, सब घोटालेबाज हैं। इन्होंने घोटाले किए हैं और आगे भी करेंगे, हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं पिछली सरकारों में जो अब भी जो। अरे तो जिसको घोटालेबाज मोदी जी कहते थे वही तो इधर आ गए, इधर आ गए अजीत पवार, इधर आ गए संत हो गए। तो वो उनकी नीतियां उनको अच्छी लगी तो वो आ गए ना, तब अब ठीक हो गए, सही हो गया वो तो ठीक हो गए, वो तो सही हो गए। फिर जब नीतियों में उनको विश्वास आ गया तो उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आ गए। आप ये बताइए कि 2014, 19 और 24 ये तीन में मोदी जी का ग्राफ 14 और 19 के मुकाबले 24 में बढ़ा दिख रहा है आपको या घटा या बराबर? मोदी जी का जो सा है 2024 में जो 19 में जो चुनाव हुआ था उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। आप क्या मानते हैं? ठीक और कुछ बोलना है मेरे को? ठीक है, हाँ बोलिए। कैसे किस बारे में? आप तो ऐसे कहाँ, यहीं थे कहीं और थे? नहीं मैं थोड़ी देर भी आया हूँ। यही 14-24 इंडिया इंडिये। देखो जो हालात चल रहे हैं ना उस हिसाब से मोदी का जो ग्राफ बोल रहे हैं, कई काम मोदी ने बहुत अच्छे किए हैं, 370 वाला किया है, 3 तलाक वाला अच्छा किया है और भी कई किए हैं, लेकिन जो जनता है वो तो परेशान है। अभी बताऊँ जनता महंगाई बहुत है, महंगाई के चक्कर में परेशान है, आप देख ही रहे हो। ये तो चलो बाढ़ आई इस चक्कर में हो गया, लेकिन वो मैनिपुलेट हो जाता है महंगाई तो क्या 24 में ये जो अपोजिशन वाले मिल रहे कुछ कर पाएंगे कि मामला नीलवाटा सन्नाटा? देखो बंगलुरु में आप देखो जीत गए ना वो कर्नाटक में, तो फिर ऐसे थोड़ी जीत गए, सारा उल्टा हो गया बिल्कुल। अच्छी मेजोरिटी से जीते हैं, ठीक है ना, इन्होंने बड़े रैलियां भी करी, सब कुछ करा है, लेकिन जीत गए ना कर्नाटक में, ये सब उल्टा हो जाएगा देखना आप 24 में हो जाएगा। आप क्या मानते हैं भाई साहब? मैं तो बोलने से बता ऐसे आया हूँ। मैं सुनिए सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, बैठिए। मैं नहीं बोलता, नौकरी करता हूँ ना, इसलिए बोलते हैं। अच्छा नौकरी में, चलिए सरकारी नौकरी वालों की अपनी सीमाएं हैं। अब मैं आपको दूसरी जगह ले